हमें कुरानी आयात से हवाला ना दें, हमारा कोई लेना देना नहीं। ये अल्फाज हैं इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के। फिरोग नसीम का सुप्रीम कोर्ट में कुरानी आयात का हवाला, जवाब आया हमें कुरान से हवाला ना दें, हमारा कोई लेना देना नहीं। जुमेरात को फाइज ईसा केस में फिरोग नसीम का जजों से एक मुकालमा। जस्टिस मुनीर मलक, अगर फाइज ईसा की बीवी टैक्स दहिंदा है तो इसकी जायदाद के मुतल्लिक सवालात फाइज ईसा से क्यों किए जा रहे हैं? जिस पर फिरोग नसीम ने कहा कि जिस जमाने में वो जायदादें खरीदी गईं उस वक्त बीवी बच्चे फाइज ईसा के जेरे कफालत थे, और इसी साल फाइज ईसा की बीवी ने चंद हजार का मामूली टैक्स जमा करवाया, साथ में जायदाद खरीदने की कोई मनी ट्रेल इसके बीवी बच्चे ना दे सके। वो मनी ट्रेल अभी दे दें, ये केस आज ही खत्म हो जाएगा। फिरोग नसीम का इस्लामी कानून का हवाला देने पर बेंच के सरबरा उमर अता बंदियाल का सवाल, क्या हम आजादाना अदालती कवानीन में इस्लामी कवानीन डाल सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर एक गैर मुस्लिम हिंदू के साथ क्या मामला होगा? फिरोग नसीम, हम इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था तो हमारे इस्लामी कवानीन के मुताबिक फैसला क्यों नहीं किया जा सकता? हिंदू मजहब में तो औरत आजाद ही नहीं, वो तो हमेशा मर्द के ताबे और जेरे कफालत होती है, हत्ता के रस्म सती में इसे शौहर के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था, और अब भी कुछ इलाकों में ऐसा ही होता है। इसलिए अगर हिंदू जज या कोई और हिंदू ऑफिसर का ऐसा कोई केस आए तो इसे भी बतौर कफील सवाल किया जा सकता है, और वो जिम्मेदार है मनी ट्रेल देने का। हमारे सामने तो मिसालें हजरत उमर और हजरत अली की हैं, अगर इनसे सवाल किया जा सकता है तो जजेस से क्यों नहीं? क्या हम और हमारे जजेस इनसे ज्यादा मोतबर हैं? हमारे जजेस को हर किस्म की मराहत मिलती हैं और सबसे बेहतरीन मिलती हैं, ऐसे ही उनकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी बनती है। बजाय रुकावट बनने के अगर किसी जज पर कोई इल्जाम लगता है तो इसे कानून का सहारा लेने की बजाय खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना मौजू अमल होगा। तीसरी बात यह है कि अदालत नवाज शरीफ के मामले में पहले भी यही कह चुकी है कि अगर दौराने मुलाजमत आपके बीवी बच्चों के नाम कोई जायदाद खरीदी जाए तो उसकी मनी ट्रेल लाजमी देना होगी, वरना घर का कफील यानी बाप जिम्मेदार गर्दाना जाएगा। सुना है इसके बाद सारे के सारे जजों के मुंह खुले के खुले रह गए, और फिर चिरागों में रोशनी ना रही और अदालत का वक्त खत्म हो गया या कर दिया गया।